प्रयागराज से खबर है। एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़ी एक खबर है। कल जांच कमेटी के सामने पेश हुई ज्योति मौर्य, पति आलोक के जो आरोप है उनको दरअसल बेबुनियाद बताया ज्योति ने, और पैसों के लेन देन की जो डायरी है उससे भी इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि देखिए ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। डायरी को खुद का मानने से इनकार किया है। बयान दर्ज कराने के लिए ज्योति ने समय मांगा है। कमेटी ने इसी हफ्ते बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। पति आलोक मौर्य भी कमेटी के सामने पेश हुए। जांच कमेटी ने आलोक मौर्य से सबूत मांगे। आलोक ने सबूत देने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। महिला मजिस्ट्रेट के सामने ज्योति का बयान दर्ज होगा। बयान दर्ज कराने की वीडियोग्राफी होगी। आरोपियों की पुष्टि के बाद जांच आगे बढ़ेगी। ये सूत्र कह रहे हैं आलोक मौर्य ने दरअसल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं ज्योति मौर्य पर। करोड़ों के लेन देन का आरोप है। पीसीएस बनने के बाद अवैध संपत्ति बनाने का भी आरोप है। तो ऐसे में जो आरोप लगाए गए हैं आलोक मौर्य की तरफ से उन सभी की अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। गुफरान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुफरान, कल पूछताछ हुई है ज्योति मौर्य से, जो आलोक मौर्य की तरफ से आरोप लगाए गए हैं पैसों के लेन देन का, संपत्ति का, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ रहा पूछताछ के दौरान, क्या अपडेट वहां से मिल पाए? मौर्य और आलोक मौर्य दोनों मंगलवार की जो शाम है कल वो पहुंचे थे, उनको बुलाया गया था, जांच टीम ने बुलाया था, वो सामने पेश हुए थे बारी बारी से, जिसमें ज्योति मौर्य से आरोपों को लेकर के पूछा गया, जो एलिगेशन उन पर लगे हैं, चाहे संपत्तियों की बात हो या फिर अवैध जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, जो एलिगेशन उसके पति आलोक ने लगाए हैं, उससे जुड़े तमाम सवाल जो जांच टीम है उसने किए। हालांकि इस दौरान ज्योति मौर्य का सीधे तौर पर एक ही जवाब था कि जो आरोप है वो बेबुनियाद है। ज्योति का ये कहना था कि उसने एक मुकदमा जो है अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज कराए हैं, उसी के बाद से ये पेशबंदी को लेकर के उसके खिलाफ ये एलिगेशन लगाए गए हैं। साथ ही आलोक मौर्य भी जो है जांच टीम के सामने पेश हुआ, उसे भी जो जांच टीम के लोग हैं उन्होंने साक्ष्य मांगे, कहा कि इस पूरे एलिगेशन से जुड़े क्या क्या साक्ष्य आपके पास है उसको उपलब्ध कराना होगा। इसको लेकर के आलोक ने 2 दिनों का समय मांगा है और साथ ही इनके बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए भी जो है जांच टीम ने कही है। दोनों ने अपना अलग अलग समय मांगा है और इसी हफ्ते माना जा रहा है कि कभी भी इनका जो बयान है वो जांच। शुक्रिया आपको ये जानकारी साझा करने के लिए।